उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के मेहंदीरामपुर भिला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने ससुराल पक्ष के लोगों की डिमांड पूरी न होने पर जहर खा लिया। इसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके चलते इलाज के दौरान युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के मेहंदीरामपुर भिला गांव का है। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि मृतिका पत्नी के परिजनों ने लक्ष्मण को घर पर अकेला देख 5 लाख रुपए ना देने की वजह से लक्ष्मण को जहर देकर मौत के घाट उतारा है, जिसमें मृतक लक्ष्मण की एक 5 माह की मासूम बेटी भी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। भाई क्या मामला हुआ है जो आपने के बहर की मृत्यु हुई है? मामला ये था, कल सुबह 9 बजे करीब इसकी भाभी को सांप ने काट लिया था जी। तो हम इन्हें बेनाजी लेके गए जी। वहाँ से हम वापसी लौटे 3 घंटे के बाद लमसम में 2:30 बजे जी। तो यहाँ पर देखा ये मुँह से झाग दे रहा। अच्छा। उसके बाद 108 नंबर पर हमने कॉल करी जी। फिर हम इन्हें एम्बुलेंस में डालकर मुंडा पांडे ले गए जी। मुंडा पांडे गए तो वहाँ से उन्होंने सिविलियन के लिए रेफर कर दिया। क्या लगता है तुम्हें, जहर इन्होंने खाया या खिलाया? सर इसे किसी ने खिलाया। किसे मानते खिलाने वाले? इसके साले ससुरालिया हैं, जो क्या अभी इसकी बीवी खत्म हुई थी तो ये 5 लाख का डिमांड कर रही थी। अच्छा। तो दे पाए थे ये? नहीं। जिसके चलते इन्होंने? क्या पुलिस भी दबाव बना रही थी इन पर? हाँ। क्या बार दबिश मारी थी घर पर? 2 बार पुलिस आई थी घर। अच्छा, क्या बोला था पुलिस ने? पुलिस ने वो कागजों के ऊपर कह दिया था, जो कागज वहाँ से आएंगे तभी मुकदमा होगा। क्या बच्चे हैं इनके? इनकी एक लड़की है, 7 महीने। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ ही चाहते हैं। सर क्या मामला है जो युवक जहर खाते मृत्यु हुई? ये इसमें कुछ दिन पहले थाने में एक FIR दर्ज हुई थी दहेज हत्या में, 304B में। तो उसमें जो एक्यूज था उसका नाम था लक्ष्मण, उसकी वाइफ की डेथ हुई थी जलने की वजह से। उनको सफदरजंग में एडमिट भी करवाया गया था, उनके बाद उनकी डेथ हुई वहीं पे 14 तारीख को। उसके बाद उनकी माताजी की तहरीर पे इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। कल ये सूचना मिली कि उसने जहर खा के आत्महत्या की कोशिश की। उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। PM की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बताया गया है, इसलिए उसका विसरा प्रिजर्व करके लैब में भेजा गया है, बाकी विवेचना प्रचलित है। सर परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों से 5 लाख रुपये की डिमांड थी, जिसके चलते संतुलन खराब रहा था, युवक का और युवक को मारा गया जहर देकर। नहीं, अभी तक उसमें उन तथ्यों की हम पुष्टि करेंगे। अभी तक तो जो हमारे पास जो सूचना है वो इतनी है, लेकिन इसके खिलाफ कोई तहरीर भी दी नहीं गई है उनके ससुराल वालों के खिलाफ। उसमें कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उसकी भी जांच करेंगे, उन तथ्यों की भी। सर किसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं? नहीं, अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।